मैं इसको इस संदर्भ में लेता हूं, पहले हमारा एक रिएक्शन है, उसके रिएक्शन की प्रतिक्रिया के रूप में हम चीजें, मैं एग्जांपल दूं, 1857 का रिवोल्ट हमारा रिएक्शन है, उसके ना हमारा एक्शन है, उसके बाद रिएक्शन किस रूप में, क्राउन टेक्स ओवर, रिएक्शन किस रूप में, 1861 का काउंसिल एक्ट, जिसके अंदर इंडियंस को एक कोलैबोरेटर बनाने की कोशिश की गई है कि इंडियन मेंबर भी होगा, वाइस रहेगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक इसी तरह से जब 1892 का काउंसिल एक्ट आया, जिसके अंदर उन्होंने एक्ट किया, जिसके अंदर हम ये पाते हैं कि उन्होंने मेंबर्स तो बढ़ा दिए लेकिन ऑफिशियल मेंबर्स भी बढ़ा लिए, मतलब इफेक्ट निल हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में हम हमारे यहाँ पर ये देखते हैं रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का इमरजेंस। लेकिन एक लेटर मेरे पास आया इसी बीच में जी। उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस में मैंने देखा महात्मा गांधी ने 1930 के अंदर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने से पहले जो ये जो अभी पीरियड चल रहा है 24 से 31 के बीच में, ये शुरू करने से पहले वायसराय को लेटर लिखा है, वो मेरे पास है उसमें अपने रिकॉर्ड्स के अंदर, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि मैं जो ये जो उफान है देश के अंदर, इसको मैं एक वेंट देना चाहता हूँ, एक रास्ता देना चाहता हूँ, जैसे प्रेशर कुकर के अंदर सेफ्टी वॉल्व होती है, तो और वो रास्ता मेरा होगा एक लोगों के साथ एक सिविल डिसोबीडियंस एक मूवमेंट लॉन्च करके, और उसके बाद हम देखते हैं रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का एक रिएक्शन के रूप में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया। ठीक इसी सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट के रूप में, रिएक्शन के रूप में 1935 का एक्ट आया। तो ये जो सब है ना, एक दूसरे के पीछे पृष्ठभूमि वो दबाव बनाते हैं, तो दूसरी चीजें डेवलप होती हैं। डॉक्टर धनखड़, मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी मानसिकता से जुड़ी हुई चीज, कि जो चीज हमारे लिए प्रथम स्वतंत्रता के लिए किया गया एक प्रयास था, अंग्रेजों ने तो उसको गदर कहा था, म्यूटनी, इट वाज लेबर, उनके परिप्रेक्ष्य में ये इस तरह हो गया था। और इतिहासकार भी, ये एक सत्य है कि सत्ता में जो होते हैं इतिहास को भी उन्होंने अपने हिसाब से लिखवाया गया है, जो हमारे सामने आज है, पता नहीं किस प्रकार किस रूप में था। 1950 तक हमारे जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं 1857 के, वो नहीं निकाले गए जी, 1950 में निकाले, तब रियल हिस्ट्री आई, वो तब तक तो इसको गदर। मैं बलबीर कौर जी आपसे जानना चाहूंगी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस समय देशवासियों में आक्रोश था, प्लस में वो चाहते थे कि महात्मा गांधी जी जनरल डायर के प्रति एक अभियोग चलाएं, और उस समय भी महात्मा गांधी ने उस जन अभियोग को टोटली निग्लेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं मैं इसके लिए तैयार नहीं, ये कितना उचित था। यहाँ जो मैंने शुरू में कहा था पे राजनीति जी, उन्होंने राज के ऊपर ज्यादा ध्यान ना दिया, नीति के ऊपर दिया जी, वो एक लिमिट तक था। जब ये मोमेंट्स शुरू हो गया और आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उस समय उनको शायद ऐसे कदम भी उठाने पड़े जिससे कि वो अपने आप को बचा सकते। जैसे मैंने अभी बताया था कि कांग्रेस प्रेसिडेंट का जब एक बार इलेक्शन हुआ, सुभाष चंद्र बोस जीते उसमें, और गांधी जी ने एक कॉट किया था, मैं आपको बताना चाहूंगी, उस वक्त गांधी जी ने ये कहा था कि ये सुभाष की जीत नहीं है, गांधी की हार है, ये उन्होंने खुद ने कॉट किया था इस चीज को। लेकिन दूसरी बार जब इलेक्शन हुआ तो पट्टाभी सीतारमैया को उन्होंने उनके खिलाफ खड़ा किया, विजय हुई। अगर उस वक्त सुभाष चंद्र बोस जीत जाते तो आज हमारे हिंदुस्तान का नक्शा ही दूसरा होता। लेकिन ये जरूर सत्य है कि हम कितनी ही नीति की बात करें, ह्यूमन जो इमोशंस हैं, एलिमेंट उसमें होते हैं, हावी हो जाते हैं कि हम दूसरे की कई बार सत्ता को मानना नहीं चाहते। बिल्कुल, प्रतिस्पर्धा का एक यही थोड़ा सा कीड़ा था, कहीं ना कहीं उनमें भी प्रतिस्पर्धा का था। बिल्कुल, वो बिल्कुल। इस बारे में मैं दो चीजें जोड़ना चाहूंगा। जब वो सुभाष का विरोध कर रहे थे, उस समय वो सुभाष के घर में ही रह के विरोध कर रहे थे, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। उस कॉन्फ्रेंस में जब भी गांधी जी कलकत्ता गए, सुभाष के घर में रुके हैं हमेशा, और उस दौरान भी, विरोध के दौरान भी वो करते रहे। हम गांधी और सुभाष को एक दूसरे के विरोधी के तौर पे, प्रतिस्पर्धा के तौर पे देखते हैं। सुभाष ने जब INA की तरफ से रेडियो पे पहला ब्रॉडकास्ट किया जी, तो किसको मुखातिब था, वो बापू कहते हैं जी। तो इनके बीच में नीतियों का, समझ का, कार्य नीति का वैचारिक मतभेद होंगे। हम इन्हें कोई उनकी महत्वाकांक्षाओं का उसके तौर पे शायद ना देखें, वैचारिक मतभेद होंगे, और वैचारिक मतभेद होना बिल्कुल जायज चीज है। अगला सवाल मंत्री जी आपसे रहेगा। लड़ाई का तरीका था जैसे सरदार भगत सिंह कहते थे ये भी करें, तो इसी तरह सुभाष भी कहते थे ये भी करो, तो वो तो हरेक का योगदान था।
क्योंकि मुख्य था आजादी जीतना जी। और 14 और 15 जून 1947 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की बैठक के दौरान गांधी जी ने खुद इंटरफेयर करके भारत विभाजन के प्रस्ताव को समर्थन दिया था, जबकि वो ये कहते थे कि अगर भारत का विभाजन होगा तो उनकी लाश पे होगा। ऐसा आखिर कैसे हुआ, आप बताइए बंधु जी, क्या क्या सोचा होगा उन्होंने उस परिस्थिति में कि भारत विभाजन हो जाना चाहिए, जबकि वो पहले खुद कहते थे कि नहीं हिंदू राष्ट्र का अगर विभाजन हुआ तो। मिडनाइट में बहुत सी बातें आ गई है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब में आ गई है, और भी बहुत कई हिस्टोरियन ने बाद में बहुत बातें लिखी हैं। वो तो गांधी जी महज पी गए हजम कर गए, वरना वो गांधी जी कभी दो नेशन थ्योरी में की नहीं रखते थे, और कभी पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं बनवाना चाहते थे, उन्होंने ठीक ही कहा था, वो अड़े थे, लेकिन वो चुप ये समझ गए कि अब करे क्या, ये तो ये सारे आदमी तो कहते हैं कि जल्दी आजादी मिले, जल्दी आजादी। इसी के साथ मेरा अंतिम प्रश्न आप सभी से, जल्दी आप उस पर अपने दो विचार दें। नथुराम गोडसे ने जब जज के सामने उन्हें लाया गया, उन्होंने अपनी दलीलें खुद रखी और 150 दलीलें उनमें रखी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं गांधी का विरोधी नहीं हूं, मैं गांधी के अनन्य भक्तों में से एक था, एक राष्ट्र भक्त हूं, लेकिन मैंने गांधी की हत्या इसलिए की क्योंकि मेरा ये मानना था कि उन्होंने नरसंहार को न्योता दिया, उन्होंने अपने ही बनाए हुए सिद्धांतों के खिलाफ चले गए, और चाहे वो एक राष्ट्रपिता हैं, मैं भी एक हिंदू हूँ और हिंदुस्तान से प्यार करता हूँ, और मेरे हिंदुस्तान में विभाजन के समय हुए नरसंहार से वो आहत हुए थे, इस वजह से वो कहते हैं कि मैंने गांधी की हत्या की क्योंकि मुझसे वो नरसंहार, हिंदू राष्ट्र की बदनामी और हिंदू राष्ट्र के साथ उस समय जो हो रहा था, और साथ में उस समय जो दयनीय स्थिति थी महिलाओं की, बच्चों की, बहुत ज्यादा हो चुकी थी, और इसका कारण वो गांधी जी को मानते थे। वो ये कहते थे कि माना कि इन्होंने हमें आजादी दी, लेकिन आजादी का इतना भयानक तोहफा मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उस व्यक्ति को मारा जिसने एक गलत निर्णय लिया। इस पे आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह मुस्लिम रूलर हुए हैं जी, और जब वो रूलर वृद्ध हो जाते थे तो उनके लड़के उनको मजबूर करके कोई भी निर्णय दिलवा देते थे, इसी तरह महात्मा गांधी से भी ये निर्णय उसके सहयोगियों के द्वारा दिलवाया गया, और ये जो निर्णय था ये बहुत ही भयानक और दुखदायी निर्णय था, क्योंकि सब जानते हैं 1947 के विभाजन के समय जो हुआ, मुमा जी आज तक जनरेशंस में वो मेंटल जो है प्रॉब्लम्स बिकॉज़ ऑफ दैट ट्रॉमा आज तक चल रही है, वो खत्म अभी तक नहीं हुई, चार छह जनरेशंस के बाद भी लोजी नहीं थी, पागल आदमी का एक दिमाग था, ऐसा तो नहीं है सर, उस इंसान ने मरने से पहले अपने जब जज को बयान दिया तो उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की, और खुद उस समय के जज ने ये कहा था कि कहीं ना कहीं इनकी कहीं मजबूर कर दिया गया, आपके अकॉर्डिंग उन्हें मजबूर किया गया। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं इस बारे में ब्रीफली ये कहना चाहता हूँ, जो 1947 के अंदर जो हमारे नेता हैं वो सारे, हम यदि हम उन पर विशेष रूप से नज़र डालें उनकी उम्र के हिसाब से, वो सारे अपने 60s 70s इससे भी ज़्यादा उम्र के वो सब हैं जी। वो एक लड़ाई लड़ते लड़ते थक चुके थे, और वो ये जो 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी उसमें जिन्ना ने ये प्रूव करके दिखा दिया था कि देखो भाई हम साथ नहीं रह सकते, इसका कोई विकल्प नहीं है विभाजन का, ये करना ही पड़ेगा। तो ये जो एक तो अपनी ही उम्र में वो सफलता हासिल करने की साइकोलॉजी, और दूसरी अब इस हद तक बात बढ़ चुकी है कि इनको एक साथ रख करके ये वर्किंग नहीं हो सकती, तो इसलिए महात्मा गांधी को भी कहीं ना कहीं व्यवस्थावश ऐसी चीज को स्वीकार करना पड़ा है, अदरवाइज वो इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं थे, अपने जीवन पर्यंत वो हिंदू मुस्लिम एकता या हिंदू मुस्लिम सद्भाव के साथ वो रहे, रहना चाहते, पर माफ करना उनकी सहमति डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं भी नहीं थी, हाँ नहीं थी कोई बाई प्रॉक्सी वैसे भी नहीं, बिल्कुल दूर से रेबल्स में भी नहीं थी, सहमत हूँ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज, जैसे घरों में भी माता पिता कभी नहीं चाहते बच्चों में विभाजन हो, लेकिन ऐसा होता है कई कड़वे सच, हमें आगे चलने के लिए जब हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम एक साथ कदम रखना ही नहीं चाहते तो हमें ये इस दुखदायी विकल्प की तरफ भी चलना होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। देखिए गांधी जी की हत्या किसी भी रूप में जायज नहीं ठहराई जा सकती,
गांधी जी के चलते वो हत्याएं और वो सब जिनका जिक्र किया वो नहीं हुई है। गांधी, एक लॉर्ड माउंटबेटन ने कहीं पे कहा है कि पश्चिमी भारत का विभाजन पश्चिम में भी हुआ, पूर्व में भी हुआ, पश्चिम में विभाजन को रोकने के लिए और उन अत्याचार को रोकने के लिए पूरी फौज थी, फिर भी ये सब हुआ जो हम जिनकी हम बात कर रहे हैं, और पूर्व में केवल गांधी था रोकने के लिए, और पूर्वी बंगाल में वहां पे इस किस्म की मारकाट और हत्या और वो नहीं हुई जिस पैमाने पे यहां हुई है। तो गांधी को